अभी आपको अहम खबर देंगे। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल तआवुन किया, तिब्बी वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अपडेट्स लेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर बताइएगा। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल तआवुन किया, तिब्बी वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। आपको इस हवाले से बता दें कि हमजा शहबाज बैरून मुल्क जाना चाहते थे लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। इसी हवाले से अब उन्होंने अदालत से जो रुजू किया है और उसमें इस्तदा की है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, तिब्बी वजूहात की बिना पर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। उमर शाकिर से अपडेट्स लेंगे। उमर बताइएगा, तिब्बी वजूहात बताई गई हैं हमजा शहबाज की जानिब से? जी कायदे हिजब इख्तलाफ पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था और इसी सिलसिले में उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया है और एक आईनी दरख्वास्त उनके नाम से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई है। हमजा शहबाज की जाने से दायर दरख्वास्त में वजारत दाखिला, FIA, DG इमिग्रेशन और नैब को फरीक बनाया गया है। हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में मौका भी अख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार का नाम गैर कानूनी तौर पर ECL में शामिल किया गया। दरख्वास्त गुजार हमजा शहबाज ने निशानदेही की है कि नैब की जानिब से उन पर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो नैब के कॉलम पर तफ्तीश के लिए। अच्छा,